करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेट। ये अभी तक का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है जब से गेट का दैट इज़ योर नोटिफिकेशन निकला है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट के दिमाग में कि क्या सी एस आई आर एंड गेट का प्रिपरेशन एक जैसा होता है, सो द आंसर इज़ नो, कम्प्लीटली नो। ठीक है, अगर आप सिलेबस को देखें तो सिलेबस में लगभग 40% आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा गेट के। गेट का जो सिलेबस होगा वो लगभग 40, मिनिमम 40% मैं कह रही हूँ, मैक्सिमम इससे ज़्यादा एक्सीड हो सकता है, 40% का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है सिलेबस का जब आप एनालिसिस करते हैं। तो पहला तो डिफरेंस ये हो गया कि जब सिलेबस ही एक नहीं है तो प्रिपरेशन एक जैसे कैसे चलेगी। अब बात आता है कि जो 50% सेम सिलेबस, मान लेते हैं कि 50% सेम सिलेबस जो है उसका क्या करना है, क्या उसको बिल्कुल वैसा ही प्रिपेयर करना है जैसे सी एस आर के लिए प्रिपेयर करते हैं। अगेन द आंसर इज नो। राइट, आप खुद सोचिए, एक सी एस आर का इंस्टीट्यूट गेट का पढ़ाई क्यों शुरू करवाता है? अगर सी एस आर से ही क्लियर हो जाता तो वो गेट का पढ़ाई शुरू ही नहीं करवाता। सिंपल सा लॉजिक है, राइट? तो एक्चुअल में सी एस आर में क्या होता है, कोई भी चीज अगर डिस्कस हो रही होती है, मान लीजिए एक ये टॉपिक है, ठीक है, तो अगर इस टॉपिक की लिमिट की बात करें दैट इज फॉर सी एस आई आर, तो इस टॉपिक की लिमिट ऐसे जाती है, थोड़ा सा ये टॉपिक इधर निकल गया, थोड़ा इधर निकल गया। ठीक है, टॉपिक का स्टार्टिंग पॉइंट था ये, और जब इसको पढ़ रहे हो आप तो ये टॉपिक थोड़ा सा इधर निकल गया, इधर निकल गया। यानी सीधी सी बात कहें तो इन डेप्थ में स्टडी करना पड़ता है आपको इन केस ऑफ अ सी एस आई आर। लेकिन गेट को अगर इसी टॉपिक को पढ़ाना हो तो गेट में ऐसा नहीं होता, गेट में ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और ऐसा करके कुछ एंड पॉइंट चला आता है। तो आप खुद देख सकते हैं दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन ये कैसे पता चलता है कि क्या पढ़ना है, क्या एलिमिनेट करें, क्योंकि पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे। तो किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, एक्सेस डिटेल में नहीं जाना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, जितने उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है। और इन डेप्थ जो नॉलेज होता है वो अगर आप लेते भी हो तो आप गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हो। तो गेट के प्रिपरेशन का सबसे प्लस पॉइंट यही होता है कि आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहना पड़ता है। अगर आप स्पेसिफिक रहते हो तभी प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाते हो, अदरवाइज नहीं। और अगर इन केस आपको स्पेसिफिसिटी का आइडिया नहीं मिल रहा है, अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है तब की बात ही अलग है, लेकिन अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं मिल रहा है, व्हाट यू कैन डू, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब आप एनालिसिस करेंगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि यस कितनी स्पेसिफिसिटी मेंटेन रखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं प्लांट की बात करूं, एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है बॉटनी का, दैट इज इन गेट एक्सेल। तो बॉटनी में जब हम वाटर, फूड एंड न्यूट्रिएंट के ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं, सारे पाथवे को बहुत ही डिटेल बेसिस पे हम स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हम गेट के बॉटनी की बात करें तो हम ये पढ़ते हैं कि एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है, सिम्प्लास्ट कहाँ होता है, फूड ट्रांसपोर्ट में कौन सा पाथवे इन्वॉल्व है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट में कौन सा पाथवे इन्वॉल्व है। ठीक है, कौन सा इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है, कौन सा यानी वॉट, ठीक है, एंड हाउ। लेकिन इस हाउ का भी जो रिजल्ट हमें मिलता है, दैट इज क्या इन्वॉल्व है, कैसे इन्वॉल्व है, इस कैसे का जो हमें आंसर मिलता है वो बहुत स्पेसिफिक मिलना चाहिए। यानी ये जब आप हाउ को पढ़ते हो तब इन डेप्थ स्टडी नहीं करनी है। एक नॉर्मल होता है कि यस इस तरीके से होता है, इन डेप्थ में अगर आप जाओगे तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हजम नहीं होगा या फिर आपको नुकसान करेगा, बट यस ये आपका टाइम खाएगा। तो ऑब्वियसली कैसी भी स्टडी कीजिए वो आपको किसी भी एंगल से हार्मफुल तो होती नहीं है। इट्स ओनली डिपेंड अपॉन द टाइम, क्योंकि अभी अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन डेप्थ में अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। आप सी एस आर के इन डेप्थ में पढ़ा होगा आपने या पढ़ोगे, दैट वुड बी बेटर, लेकिन अभी टाइम है स्पेसिफिक बेसिस पे पढ़ने के लिए। तो कोई भी आप यूनिट टारगेट कर रहे हो, आई मीन टू से कोई भी आप कॉम्बिनेशन ले रहे हो, इट मे बी बॉटनी, इट मे बी जूलॉजी, इट मे बी और दैट इज बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सबको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बेसिस पे पढ़ना है। जैसे कि अगर जूलॉजी की बात करूँ मैं, जूलॉजी में आपको डेव बायो भी आता है, लेकिन डेव बायो जितना ज़्यादा ब्रॉड सी एस आर में है, बिलीव मी उसका 10% ही पोर्शन सी एस आर में पूछा जाता है, वो भी एकदम टू द पॉइंट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो टू द पॉइंट स्टेटमेंट्स या फिर
दैट इज कंसेप्ट कौन से हैं, और ये चीजें कौन बताएगी? ये चीजें आपको दो जगह से पता चल सकती हैं, एक ये आपका खुद का PYQ क्वेश्चन का एनालिसिस, ठीक है, दूसरा सिलेबस। फाइन, तो PYQ का एनालिसिस कीजिए, सिलेबस देखिए, यही चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एक प्रॉपर ढंग से एनालाइज करवा सकती हैं कि यस कौन सा टॉपिक का लिमिट कितना है, क्योंकि अगर आप लिमिट भूल गए, पढ़ने को तो पढ़ लोगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका टाइम एक्सेस लॉस हो जाएगा। अगर एक टॉपिक का लेंथ सिर्फ इतना है गेट के लिए, तो गेट अभी तो फिलहाल मेजर फोकस गेट है, तो गेट के लिए इतना ही कीजिए। हो सकता है वही टॉपिक इतना ब्रॉड में हो, दैट इज CSR के लिए, तो उसके लिए बाद में पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी आपको इस बेसिस पे टारगेट करना है कि आपको बहुत स्पेसिफिक तरीके से चलना है। बहुत ज़्यादा ब्रॉडिफिकेशन में अगर आपने फोकस किया तो टाइम कम पड़ जाएगा, और जितनी चीज़ें आपको फोकस करनी चाहिए आप उतना भी फोकस नहीं कर पाओगे। तो जितना भी टॉपिक है आपके पास, जो भी सिलेबस में मेंशन है, जो भी कॉम्बिनेशन आप पिक कर रहे हो, देखो कि वो क्या है और वो क्यों है, ठीक है, आई मीन टू से वो कैसे है एंड क्यों है, ठीक है, व्हाट हाउ एंड व्हाई। किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, ये तीन का जवाब अगर आप मिल जा रहा है तो बस उस टॉपिक को पढ़ के आप आगे निकलो। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए एक्स टॉपिक पढ़ रहे हो, तो एक्स टॉपिक क्या है, ठीक है, कैसे है एंड क्यों है, ये तीनों का आंसर मिल जा रहा है, ठीक है, वो फिर आप एकदम स्पेसिफिक बेसिस पे चल रहे हो। लेकिन ये तो हो गई गेट की कहानी, लेकिन CSR क्या करता है, क्या है, ठीक है, उसका रिलेशन भी ढूंढता है, वो कैसे है, कैसे का भी रिलेशन यानी किसी और से कनेक्ट करके भी ढूंढता है, क्यों है, इसका भी किसी और से कनेक्शन करके चीजें ढूंढी जाती हैं। तो अभी आपको फिलहाल में गेट के लिए टारगेट करना है, और मैंने जो है बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको स्पेसिफिसिटी पे फोकस करना है, किसी भी टॉपिक को बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, एकदम ब्रॉड बेसिस पे नहीं पढ़ना, स्पेसिफिक पढ़िए ताकि मैक्सिमम सिलेबस को आप कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर आपका लाइक यू नो मेमोरी पावर अच्छा है और अगर आपको कॉन्फिडेंस है, तो कोई भी दो सिलेक्शन के साथ आप मूव कर सकते हैं इन केस ऑफ अ गेट एक्सेल। लेकिन आपको लगता है कि शायद प्रॉब्लम हो गई, तो अगर एक सेक्शन बहुत टफ आ गया तो मैं फिर ये कहूँगी कि तीन सब्जेक्ट का सिलेक्शन करके पढ़िए, एग्जाम में उन तीनों में से जो भी ईजी सेक्शन चला है उसे अटेंड करके चले आइएगा। तो ये दो तरीके होते हैं गेट के साथ टैकल करने के लिए, या तो एकदम स्पेसिफिक बॉर्डर लाइन पे यूनिट्स का सिलेक्शन करके जाइए, या तो एक एक्स्ट्रा करके जाइए कि अगर हो सकता है आपने जूलॉजी अच्छी पढ़ी हो, लेकिन जूलॉजी बहुत टफ आ गई एग्जाम में, लेकिन साथ साथ में आपने बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ी थी और वो अच्छी आ गई, तो आप उन दोनों को अटेंड करो, जूलॉजी को छोड़ दो, ठीक है। तो एक सेफ साइड प्ले ये होता है, और ये होता है बॉर्डर लाइन प्ले। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर लाइन प्ले करके मतलब बच्चे जो है आगे नहीं बढ़ते हैं, बिल्कुल दो का भी सिलेक्शन आप कर सकते हो, बट यस ये टोटली आपके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो अपने जो भी आप चीज़ें गैदर कर रहे हो उसके लिए। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये छोटा सा जो मैंने आपको गाइडेंस दिया वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।